नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे शुभ योग जो आपके हाथ में देखे जा सकते हैं, और ये बहुत अच्छे योग हैं, व्यक्ति को बहुत धनवान बनाते हैं और लाइफ में काफ़ी लग्जरी देते हैं। तो पहला योग है शुभ योग, दूसरा योग है व्यापार योग, तीसरा योग है इंद्र योग। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले शुभ योग में हम देखेंगे कि जो आपका राइट हैंड है उसमें जो शनि पर्वत है, ये देखिए जो शनि पर्वत है, शनि पर्वत पर यहाँ पर अगर ये शनि पर्वत आपका विकसित है, डेवलप्ड है, तो उसमें और स्पष्ट भाग्य रेखा अगर दिखाई देती है। देखिए इसमें जो भाग्य रेखा है, इस तरह दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह से जो भाग्य रेखा है ऐसे लंबी चली आ रही है, अगर इस तरह से भाग्य रेखा अगर लंबी आ रही है और थिक रेखा है, तो ऐसे में समझना चाहिए कि भाग्य के आकार की बनी हुई रेखा ये आ रही है। तो ये हाथ में शुभ योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शुभ योग होता है वे व्यक्ति प्रसिद्ध वक्ता बनता है और जनता को सम्मोहित करने की क्षमता रखता है। जिस व्यक्ति के आकार में इस प्रकार का योग होता है वह जो कुछ चाहता है प्राप्त कर पाता है, और उसकी वाणी में, उसकी जो बोलचाल में ऐसे मंत्रमुग्ध करने की शक्ति होती है जो जनता, जो सामने वाले की जो फीलिंग्स हैं उसको कंट्रोल कर लेना, अपने पक्ष में कर लेने की क्षमता होती है, उसको ऐसी कला आती है। ऐसे व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है वह अपने आप में बहुत आकर्षक होती है और लोगों को एक तरह से अपने आप में बांध लेते हैं, ये कहना चाहिए। लोग उनको फॉलोअर्स बन जाते हैं लोग उनके। ऐसे जो योग जिस व्यक्ति के हाथ में होते हैं तो वे व्यक्ति का भाग्य उदय अपने जन्म स्थान से दूर जाने पर ही होता है, क्योंकि ये शनि जब मजबूत होता है तो अपने जन्म स्थान से दूर लेकर जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट योग के बारे में। नेक्स्ट योग है हमारा व्यापार योग या फिर बुद्ध योग। तो ये जो योग होता है ये दाहिने हाथ में, आपके राइट हैंड में जो भी आपका वर्किंग हैंड है उसमें आप देखिए अपने आप में ये बहुत डेवलप्ड होता है। जो बुद्ध है आपका, बुद्ध पर्वत पे अगर हम जाते हैं तो ये बुद्ध पर्वत ये डेवलप्ड होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे में इसमें जो एक रेखा निकल के चंद्र पर्वत से बुद्ध पर पहुंचती है, ये चंद्र पर्वत है, इससे बुद्ध में यहाँ पर ऐसे रेखा पहुंच जाएगी। तो ये रेखा जब ऐसे पहुंचती है और मार्ग में कहीं भी टूटी भी नहीं होनी चाहिए, जो भी रेखा है वो स्ट्रांग और स्ट्रेट होनी चाहिए। तो और जान इसमें कोई किसी तरह का चेन्स नहीं होनी चाहिए, जंजीरदार, जैसे बहुत सी रेखाएं ऐसे जंजीरदार टाइप सी हो जाती हैं, बीच में गड़बड़ा जाती है, वो नहीं होना चाहिए। रेखा बिल्कुल स्ट्रेट सीधी आनी चाहिए। तो ऐसे में जो जिस पर्सन के हाथ में ये रेखा होती है तो वह व्यक्ति के हाथ में बुद्ध योग या व्यापार योग माना जाता है। वह व्यापार के माध्यम से जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती है, मान सम्मान उसको बहुत मिलता है, और ये कहना चाहिए कि पर्सनैलिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। अगर उसके शारीरिक रचना देखी जाए, उसकी उसका फेशियल फीचर्स देखे जाए तो वो बहुत आकर्षक होता है, देखने में बहुत ब्यूटीफुल होता है ऐसा पर्सन, और अपनी कोशिशों से अपने व्यापार को आगे विदेशों तक भी ले जाता है। वो फॉरेन कंट्रीज में भी काफ़ी उसका व्यापार डेवलप होता है, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि देखिए बुद्ध का जो रिलेशन है वो व्यापार से होता है और चंद्र पर्वत करवाता है यात्राएं। तो ऐसे लोग विदेश जाके काफ़ी मान सम्मान, पैसा और इज्जत कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाले होते हैं और ये कहना चाहिए दिमाग के बहुत तेज होते हैं, और अपने जो शत्रु होते हैं उनको हराने में भी काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और चतुर होते हैं। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बुद्ध पर्वत आपका डेवलप्ड होना चाहिए। अगर बुद्ध पर्वत डेवलप नहीं है तो ये योग पूरी तरह से काम नहीं करता है, और अपने स्थान पे डेवलप्ड होना चाहिए। ये यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इधर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इधर पूरी तरह से डेवलप्ड होना चाहिए। और ये जो योग होता है ये अपने लाइफ में इंसान को काफ़ी आगे तक, काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड योग के बारे में। थर्ड योग है इंद्र योग। थर्ड योग है इंद्र योग। इंद्र योग में जिसके किसी के हाथ में होता है उसके लिए हमें देखना होता है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा फुल डेवलप्ड होनी चाहिए। देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से डेवलप्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भाग्य रेखा है वो एकदम स्ट्रेट चलनी चाहिए। ऐसे योग जब किसी के हाथ में होता है
तो ऐसे लोग अपने इनके जो भाग्य रेखा पूरी लंबाई लिए हुए सीधी और स्पष्ट होती है, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करते हैं, तो इनको सब इनकी मेहनत से इनको पूरा पूरा फल मिलता है। साथ ही साथ हमें ये देखना चाहिए कि जो मंगल पर्वत है, मंगल पर्वत ये इधर और इधर ये विकसित होना चाहिए, ये डेवलप्ड होना चाहिए, इससे ही इसका पूर्ण फल मिलता है। जिसके हाथ में ये योग होता है वे व्यक्ति शरीर से बलिष्ठ होता है, चतुर और विद्वान होता है, और साथ ही साथ ही कहना चाहिए कि एक अच्छा पॉलिटिशियन भी होता है। ऐसे व्यक्ति जो मैं कहना चाहिए कि फाइटर्स होते हैं, एक गुड फाइटर्स होते हैं, जब उनका मंगल उनका डेवलप्ड होता है, तो ऐसे व्यक्ति मिलिट्री में पुलिस में अच्छी पोस्ट पर प्राप्त करते हैं। और ये कहना चाहिए कि जैसे ऐसे योग जनरली ब्रिगेडियर्स, कर्नल, लेफ्टिनेंट्स इनके हाथ में देखने को मिलता है, या कोई पर्सन जो पुलिस में बहुत अच्छी पोस्ट में हो। और ऐसे व्यक्ति बात करने में बहुत चतुर होते हैं, स्वभाव के सरल होते हैं। इनका भाग्य उदय 28th ईयर के बाद ही होता देखा गया है। और ऐसे ये एक तरह का राजयोग के समान है, ये एक तरह का राजयोग है। और देखा गया है कि ऐसे लोग जिसके हाथ में योग होता है उनकी आयु बहुत बड़ी नहीं होती फिर भी, लेकिन ये अपनी छोटी आयु में ही काफी नेम फेम पा लेते हैं और अपने नाम को चारों ओर फैला देते हैं। और अगर हम देखें इनकी लाइफ बहुत लग्जरियस होती है, इनको जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में पूर्ण यश, सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ये था हमारे हाथों में कुछ योग के बारे में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए, और अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। धन्यवाद।